हिंदी सिनेमा के प्राण यानी कि प्राण कृष्ण सिकंद, जिसे हिंदी सिनेमा में सिर्फ प्राण के नाम से जाना जाता है। प्राण का जन्म दिल्ली के बल्लीमारन में हुआ था। प्राण वैसे तो बनना चाहते थे एक फोटोग्राफर, पर किस्मत ने उन्हें बना दिया एक शानदार अभिनेता। अभिनेता बनने के पीछे प्राण ने बहुत संघर्ष किया था, तब जाकर उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपना एक अलग मुकाम बनाया था। दरअसल प्राण ने बंटवारे के पहले लाहौर व पंजाब में बनने वाली फिल्मों में बहुत नाम कमाया था, पर बंटवारे के बाद जब वो भारत आए तो एक एक पैसे के मोहताज हो गए। प्राण जब मुंबई आए तो एक महंगे होटल में रुके और काम की तलाश करने लगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा वो सस्ते से सस्ते होटल में रुकने को मजबूर होने लगे, क्योंकि उनके पास ना तो काम था और ना ही पैसा। ऐसे में प्राण को बॉम्बे टॉकीज की फिल्म जिद्दी मिली, जिसकी कामयाबी ने प्राण को कुछ हद तक तो सहारा दे ही दिया, और इसके बाद धीरे धीरे प्राण साहब को काम मिलने लगा। फिर एक समय ऐसा भी आया कि प्राण हमेशा हीरो से ज्यादा पैसे लेने लगे और वो सबसे महंगे कलाकार हिंदी सिनेमा में बन गए। लेकिन प्राण ने करियर के उरूस पर पहुंचकर कईयों की मदद भी की है। इन्हीं में से एक थे हिंदी सिनेमा के शोमैन राज कपूर, जिनकी फिल्म को साइन करने के लिए प्राण ने पैसे नहीं लिए, और वो फिल्म थी बॉबी। दरअसल राज कपूर मेरा नाम जोकर की असफलता के बाद कंगाल हो गए थे। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो प्राण को उनकी फीस दे सकें, लेकिन प्राण ने बॉबी फिल्म में एक रुपए के साइनिंग अमाउंट पर काम करना स्वीकार किया था, ताकि वो राज कपूर की मदद कर सके। पर्दे पर प्राण भले ही एक मशहूर खलनायक थे, पर असल में वो एक बहुत ही अच्छे इंसान भी थे। For more videos, subscribe Mumbai Press.